सभी को बता दूं कि आज मैं स्कूल के चलते चलते आ चुका हूं काली माई तालपुरा के स्कूल में, जिस स्कूल का नाम है संत कबीर पब्लिक स्कूल। आज जो माहौल देखने को नजारा आ रहा है स्कूल के अंदर, सर्वप्रथम आप देख सकते हो कि बच्चे सभी डिसिप्लिन से बैठे हैं और बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से हो रही है आप देख सकते हो। सब बच्चों को सभी के चेहरों पर मुस्कान है। आइए अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ बच्चों के, थोड़ा पूछते हैं बच्चों से क्या किस प्रकार स्कूल के अंदर वाकई संत कबीर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं, आज जानते हैं बच्चों से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ आप? सिक्स में। आपके स्कूल में पढ़ाई किस प्रकार हो रही है? अच्छी होती है, टीचर लोग पढ़ाते हैं आपको? वेरी गुड, ओके। आइए बॉयज़ में भी जानकारी लेते हैं, बॉयज़ कौन से? हाँ जी, कम ऑन, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? आयान। कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट में। कहाँ से आते हो आप? मम्मी का नाम क्या है? पापा का? चलो ओके, बच्चों की वाकई लग रहा है कि पढ़ाई सही ढंग से हो रही है। आइए और भी मैं ले चलता हूँ, सबसे खुश बच्ची कौन है इसके अंदर मैं ले चलता हूँ। हाजी, गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है, चेहरे पे मुस्कान है आपकी। क्या नाम है पापा का आपके? अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? टू में हूँ। ए बी सी डी आती है? सुनाइए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? कौशल। ओके, लग रहा है कि बच्चे सभी इस स्कूल के बच्चों से आ रहे हैं। बाकी अब मैं ले चलता हूँ यहाँ के जो टीचर हैं स्कूल के अंदर, टीचर कैसे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, किस प्रकार देते हैं शिक्षा। मैम जी, गुड मॉर्निंग। आइए, कम ऑन। हाँ जी, आपका नाम क्या है? भूमिका। भूमिका जी, कौन से क्लास में हो आप? एट्थ में हो। पढ़ाई कैसी होती है स्कूल के अंदर? अच्छी होती है, वेरी गुड। मैम जी, गुड मॉर्निंग। आप जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हो आप, तो बच्चे को किस प्रकार हैंडल करती हो आप? हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और जो बच्चे बीच होते हैं तो उनको आने बिठाल तक समझाते हैं। ओके, आइए, बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर शिक्षा वो रूबरू दिख रही है। आप सभी को बता दूं कि बच्चों के अंदर वो शिक्षा शुरू से ही दी जाती है जो टीचर प्रोवाइड कराते हैं। आइए अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ सीधे प्रिंसिपल जी के रूम में, और प्रिंसिपल जी से जानते हैं कि स्कूल के अंदर क्या क्या सुविधा के साथ क्या क्या सुविधाएँ बच्चों को अभी तक मिल रही हैं। आइए। मैम जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट संवाद में स्वागत है आपका। मैम, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, संत कबीर पब्लिक स्कूल आप चला रही हो, कब से चला रही हो? 10 साल से। स्कूल के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी? सभी सुविधाएं जो बच्चों को दी जाती है वो सभी सुविधाएं, जैसे पानी की सुविधाएं, जैसे कंप्यूटर वगैरह, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है सीधे टीचर वगैरह बता देते हैं, जैसे हैंडल करती हैं टीचर, उसी तरह से बच्चों को हैंडल किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि बच्चों के पेरेंट्स बुक स्टोर पर बुक लेने जाते हैं, क्या आपके स्कूल के बच्चे भी बच्चे को पेरेंट्स बुक स्टोर पर जाते हैं लेने? नहीं, हम बच्चों से वहाँ से बुक्स मंगा लेते हैं, मंगाने के बाद हम ही अपने स्कूल से बच्चों को गार्जियंस को बुक्स वगैरह देते हैं। मैम, आपके स्कूल में बच्चों के हित के लिए पेरेंट्स मीटिंग कब कब करती हूँ आप? पेरेंट्स मीटिंग जब मंथली में टेस्ट पेपर होते हैं, टेस्ट पेपर के बाद ही हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, जो बच्चों को जो नहीं आता है बच्चों को, फिर पहले उन्हें सिखाया जाता है, फिर टेस्ट पेपर लिया जाता है, फिर टेस्ट पेपर लेने के बाद जैसे जो गार्जियंस को जो बच्चों में जो कमी होती है गार्जियंस को भी बताया जाता है, गार्जियंस को बताने के बाद जो हमें बच्चों से परेशानी होती है तो गार्जियंस उनको बताने के बाद ही बच्चे पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं, जो बच्चे हैंडल कर लेते हैं उसी तरह से। मैम, जो बच्चे होशियार होते हैं उनके लिए आप क्या करती हो, किस प्रकार उनके फादर को मदर को उन्हें आप आगे बढ़ाने की सोचती हो? लोगों को पढ़ाने के लिए, जैसे जो बच्चे होशियार रहते हैं तो लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन लोगों के एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाते हैं, और क्लासेस लगाने के बाद उन लोगों को जो कमज़ोरी उनकी होती है उनकी दूर करते हैं। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रोहित के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, मार्केट संवाद, झांसी।